राधे राधे। भक्तों, वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे धूप ताप से परेशान पथिक जाकर विश्राम प्राप्त करता है। पशु पक्षी जाकर के वहां बैठते हैं, छाया का आनंद लेते हैं, छाया का। और खाने को फल, घास, तिनका, पत्ती, ये सब मिलता है, आश्रय मिलता है। ये तो एक वट वृक्ष की बात है। किंतु महापुरुष जो होते हैं, अर्थात भगवान के भक्त, वो तो न जाने कितना वट वृक्षों से जागे होते हैं। अनाश्रित को आश्रित बना देते हैं, आश्रय प्रदान कर देते हैं। कहने की बात सरल होती, करने में कठिनाई होती है। लेकिन पोद्दार जी का जीवन ऐसा ही था। निराश्रितों के आश्रय थे वो। सन 1931 की बात है। एक दिन एक व्यक्ति दुख की स्थिति में गीता प्रेस आया। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके 14 साल का बालक, जिसका नाम आनंद मंडोलिया, और एक बालिका थी 8 साल की, उसी थे। घर में और कोई था नहीं जो बच्चों को संभाल सके। और बच्चों को अकेला छोड़कर वो आजीविका के लिए कहीं जा नहीं सकता था। गीता प्रेस की प्रतिष्ठा उस समय दूर दूर तक फैल चुकी थी। कोई आश्रय न देखकर वो गोरखपुर आया और गीता प्रेस जाकर सारी स्थिति बताकर बच्चों को वहीं आश्रय देने की प्रार्थना की। कार्यकर्ताओं ने साफ अस्वीकार कर दिया कि गीता प्रेस कोई धर्मशाला या अनाथालय नहीं है, हम यहाँ बच्चों को नहीं रख सकते, आप किसी अनाथालय में भर्ती करा दीजिए। वो बेचारा दुखी होकर स्टेशन चला गया। भाई जी को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने तत्काल स्टेशन अपना आदमी भेजकर उनको अपने निवास स्थान पर बुला लिया। और उस व्यक्ति ने वही प्रार्थना की कि आप कुछ दिनों तक बच्चों को रख लें तो मैं अपनी आजीविका का प्रबंध कर सकूं। भाई जी ने बड़े प्रेम से उत्साहपूर्वक दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। वो व्यक्ति प्रसन्नता से बच्चों को छोड़कर चला गया। बच्चे कुछ अधिक चंचल थे, इसलिए उद्दंडता भी करते थे। लेकिन भाई जी ने कहा, भाई वो दुखी निराश्रित व्यक्ति परेशान था, इसलिए बच्चों की उद्दंडता सहन करनी पड़ेगी। और बड़े प्रेम से बच्चों को रखा। उन्होंने कहा पोद्दार जी ने कि क्या बड़े बड़े भक्तों का चरित्र और पुस्तक छापने की मशीन ही थोड़े हम लोग हैं। अरे हमको भी तो अपने जीवन को उसी तरह से महान बनाना है जिनकी कथाएं हम सुनाते हैं, छापते हैं। कई बार ऐसा करते थे वो कि दुखी अनाथ व्यक्तियों को आश्रय देते थे। कल्याण के विशेषांकों के लिए पोद्दार जी को बहुत यात्रा भी करनी पड़ती थी। उस समय इंटरनेट नहीं होता था, फोटो लेने के लिए उसी जगह जाना पड़ता था। जैसे कृष्णांक बनाना हुआ तो ब्रज में घूमना पड़ा, मथुरा आए, फोटो लिए, और नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। इस प्रकार से बहुत मेहनत करना पड़ता था। बड़े बड़े महापुरुष भी उनको मिलते थे, प्रभु की कृपा से उनका दर्शन मिलता था, सत्संग का अद्भुत लाभ मिलता था। एक संत थे स्वामी विशुद्धानंद जी, ये प्रसिद्ध कविराज पंडित गोपीनाथ जी के गुरु थे। उन दिनों इनके आध्यात्मिक जगत में बड़ी ख्याति थी, तो भाई जी भी उनसे मिलने के लिए 23 मार्च 1932 को काशी गए। और विशुद्धानंद जी
चमत्कार दिखाने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। सत्संग उनका हुआ, उस सत्संग के बाद भाई जी का परिचय हुआ। उन्होंने भाई जी से कहा कुछ कहिए, तो भाई जी ने अर्थात पोद्दार जी ने कोई अन्य चमत्कार दिखाने के लिए न कह करके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंग की सुगंधि अनुभूति और उनके दर्शन कराने के लिए कहा। तो विशुद्धानंद जी परमहंस, जो विशुद्धानंद जी जो संत की बात मैं सुना रहा हूं, इनको गंधी बाबा भी कहा जाता था। गंधी बाबा इस नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो थोड़ी देर में उन्होंने पूरा कमरा दिव्य सुगंध से भर दिया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने ऐसे दिव्य सुगंध का अनुभव कभी नहीं किया था। फिर वो हनुमान साहब जी से बोले, मेरे नेत्रों की ओर देखो। भाई जी को उनके नेत्रों में श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, आप इस खेल को बंद कर दूं? भाई जी ने हाथ जोड़े और कहा, जैसा आप ठीक समझे। कुछ ही देर बाद नेत्रों में श्री कृष्ण के दर्शन बंद हो गए एवं कमरे की दिव्य सुगंध भी समाप्त हो गई। ऐसे संत थे विशुद्धानंद जी, इनका दर्शन करने के लिए हनुमान साहब पोद्दार जी, जिनको भाई जी कहा जाता था, वो गए थे। और हरि बाबा भी इनके पास आते थे। महाराज 6 फरवरी 1934 की बात है, प्रातः काल संत श्री हरि बाबा अचानक भाई जी के निवास स्थान पर बिना पूर्व सूचना के पधारे और उन्होंने आकर बतलाया कि बांध पर कई वर्षों से होली पर्व पर बृहद संकीर्तन उत्सव हुआ करता था, परंतु जैसा लाभ होना चाहिए वैसा दृष्टिगत न होने से 3-4 वर्षों से वो उत्सव बंद कर दिया गया। हरि बाबा ने पोद्दार जी से कहा कि जब से संकीर्तन बंद हुआ है तभी से आसपास के गांव में नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। बहुत से लोग व्याकुल होकर मेरे पास आए और पहले जैसा संकीर्तन उत्सव प्रतिवर्ष करने की अपील करने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर उड़िया बाबा से इस विषय में आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि संकीर्तन उत्सव अवश्य होना चाहिए। उसी दिन बांध पर जाकर मैंने दिन में 12 घंटे का अखंड संकीर्तन प्रारंभ करा दिया। हरि बाबा बतला रहे थे भक्तों में, जिनका चरित्र मैं आपको 34 भाग में सुना चुका हूं पहले। ये भी एक अलौकिक सिद्ध महापुरुष थे। वो आए थे भाई जी के पास अचानक बिना किसी सूचना के और ये बात संकीर्तन वाली बता रहे थे। वो बताते हैं 24 घंटे अखंड संकीर्तन करने का निश्चय किया, अधिक से अधिक संत महात्माओं को इस उत्सव में पधारने की प्रार्थना करने के लिए मैं प्रयाग होता हुआ यहाँ आपसे और सेठ जी से प्रार्थना करने आया हूं। आप अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, अतः पत्र से प्रार्थना न करके आपकी निश्चित स्वीकृति लेने के लिए स्वयं चला आया हूं। भाई जी ने अत्यंत प्रेम से उनका आदर सत्कार किया और फिर दिन में उनके साथ सेठ जी के पास जाकर सारी बातें की। श्री सेठ जी ने कहा, अस्वस्थता के कारण मेरा आना तो संदेहास्पद है, पर भाई जी विचार रख लेंगे। भक्तों 26 फरवरी 1934 को भाई जी अपने प्रेमी जनों सहित बांध उत्सव में सम्मिलित होने गए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे भाई जी संकीर्तन में सम्मिलित हुए। हरि बाबा उन्मत्त अवस्था में खड़े होकर नृत्य करते हुए संकीर्तन करते थे, जिससे सभी को अद्भुत आनंद मिलता था। वहां से भाई जी उड़िया बाबा, श्री नागा बाबा, शिवानंद जी, कृष्णानंद जी, भोले बाबा, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी आदि संतों से मिले। भाई जी उस उत्सव में 3-4 दिन सम्मिलित हुए।
एवं नाम जप कीर्तन की महिमा पर उनके बड़े प्रभाव उत्पादक प्रवचन हुए। उसके बाद फिर 4 मार्च 1934 को प्रातः गोरखपुर लौट आए। हरि बाबा से इतना प्रेम था इनका। अब मैं आपको भक्तों एक ऐसे भक्त का चरित्र सुनाने जा रहा हूं जो यदि मैं ये कहूं कि भाई जी के हाथों बिक गए थे तो सुनने में शब्द ठीक भले न लगे लेकिन बात सत्य है। भाई जी के अंदर ऐसा गुण था, ऐसी प्रीति थी, ऐसी भगवत भक्ति थी, ऐसा अद्भुत प्रेम का आकर्षण था कि जो उनके पास जाता था उनका हो जाता था। आगे चल के मैं आपको सुनाऊंगा राधा बाबा कैसे उनके हो गए, आखिरी सांस तक उनके होकर रहे। अखंडानंद जी महाराज जो उस समय शांतनु बिहारी द्विवेदी थे, एक बार मिले उद्धार जी से तो उन्हीं के हो गए। और गीता प्रेस गोरखपुर में सेवा अपनी देने लगे। बहुत विद्वान थे इसलिए भाई जी ने उनको उसी प्रकार की सेवा दी प्रकाशन विभाग में, और बहुत वर्षों तक उस सेवा में लगे रहे। वो भाई जी उनको नहीं छोड़ना चाहते थे और वो भाई जी को नहीं छोड़ना चाहते थे। बहुत वर्षों के बाद जब वो संन्यास ले लिया शांतन बिहारी से, अखंडानंद जी हो गए, तब भी मन से भाई जी से अलग नहीं रहते थे। वृंदावन में भी रह करके भाई जी को याद करते थे वो। यहां तक कि जब शरीर पूरा हुआ था पोद्दार जी का तो अखंडानंद जी भाव विभोर होकर बोले कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप लोग जो सूचना देने मुझको आए हो सत्य है कि नहीं। इतना ज्यादा उनसे प्रेम था उनका। मैंने अभी एक गरीब आदमी की बात सुनाई थी कि जिसके 2 बच्चों को भाई जी ने बिना किसी परिचय के अपने प्रेस में रख लिया था। उसका कष्ट देखकर, वो तो एक गरीब आदमी की बात सुनाए, ऐसे तो बहुत गरीब लोग आए थे, लेकिन कितने महान से महान विद्वान ज्ञानी लोग भी भाई जी के पास आकर के प्रसन्न हो जाते थे, रहना चाहते थे साथ में। जैसे मैंने भी बताया राधा बाबा की बात, अखंडानंद जी की बात, ऐसे ही एक महान और विद्वान पुरुष थे जो लगभग 40 वर्ष तक भाई जी के साथ रहे, उनकी सेवा में रहे। बिल्कुल साथ भले न रहे लेकिन सेवा में रात दिन रहते थे। कभी कभी तो दर्शन करने भी नहीं जा पाते थे भाई जी का, लेकिन सेवा में लगे रहते थे। उनका नाम था श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी। चिम्मन लाल जी गोस्वामी बहुत अद्भुत विद्वान थे। भक्तों लगभग 10 महीने तक मैंने आपको राजस्थान के भक्तों का चरित्र सुनाया था, और आज मैं जिन महापुरुष का चरित्र सुना रहा हूं आजकल, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, ये अलौकिक महापुरुष भी राजस्थान के ही थे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया प्रारंभ में, पहले बीकानेर जिला ही बोला जाता था, बाद में चुरू हो गया, वहां रतनगढ़ के थे। और जिन चिम्मन लाल जी गोस्वामी की बात मैं आपको सुना रहा हूं, ये भी बीकानेर के थे और अलौकिक विद्वान थे। ये 27 जून 1900 को जन्म लिए थे बीकानेर में। इनका परिवार धार्मिक संस्कार संपन्न था और इन्हें बल्लभ संप्रदाय के संस्कार जन्म से ही प्राप्त हुए थे। भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जैसे अलौकिक महान भगवत भक्त के साथ 40 वर्ष रहने वाला
ये महापुरुष कितना भाग्यशाली रहा होगा। चिमन लाल जी गोस्वामी जिनको हम बता रहे हैं आपको, ये गीता प्रेस के कार्यकर्ता भी थे, भगवान के भक्त थे, भाई जी के सच्चे अनुयायी थे। इनका जन्म मैंने बतलाया आपको बीकानेर में हुआ था, राजस्थान में, और भक्तिमती चंद्रकला देवी तथा ब्रजलाल जी गोस्वामी को इनके माता पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ था। सन 1916 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके चिमन लाल जी वाराणसी चले गए और क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र तथा संस्कृत का अध्ययन करने लगे। वो वाराणसी में पढ़ते समय महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ जी कविराज का विशेष सामीप्य और संरक्षण मिला। बहुत महान पुरुष ही भी थे गोपीनाथ जी। और क्वींस कॉलेज का अध्ययन पूर्ण करके आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1922 में संस्कृत की एमए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तदुपरांत कुछ समय के लिए चिमन लाल जी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की निजी सचिव के रूप में कार्य किया। अब आप सोचिए, मालवीय जी खुद महान अद्भुत भक्त थे जिनका चरित्र मैं आपको पहले सुना चुका हूं। इनके निजी सचिव के रूप में कार्य किया चिमन लाल जी ने, और वाराणसी से बीकानेर वापस आने के बाद 4 वर्ष तक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते रहे। फिर 6 वर्षों तक बीकानेर राज्य के राजनैतिक विभाग में कार्य किया और राज्य के प्रधान दीवान आदरणीय श्री मन्नू भाई शाह के निजी सचिव रहे। भगवान के आदेश से भाई जी भगवान नाम का प्रचार करते हुए बीकानेर गए और उसी समय गोस्वामी जी ने, चिमन लाल जी ने भाई जी के दर्शन किए और पहली भेंट में ही उनकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गए। इस प्रथम समागम का उनके मन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि स्वाभाविक ही उनके निकट संपर्क में कुछ अधिक रहने की प्रबल लालसा जागृत हुई और ये लालसा क्रमशः बढ़ती गई एवं गंभीर चंद्र जी दुजारी भी इन्हें बराबर भाई जी के पास रहने की प्रेरणा देते रहे। कहते रहे वो दुजारी जी भी कि आप भाई जी के साथ रहिए, जीवन का अलौकिक लाभ आपको मिलेगा। उनकी चेष्टा से छुट्टी लेकर के 15 मई 1929 को गोरखपुर पधारे। लगभग 1.5 महीने भाई जी के पास रहने का दुर्लभ सुयोग प्राप्त हुआ। उस समय गोरखपुर में साधन समिति का गठन होकर उसके नियमों का बड़े उत्साह से पालन हो रहा था और ये भी उसमें सम्मिलित होकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने लगे। एक छोटी सी अवधि में भाई जी के भगवत संबंधी प्रौढ़ विचारों एवं अनुभवों को जानने तथा उनके भगवनमय जीवन को अत्यंत निकट से देखने का इनको अवसर प्राप्त हुआ और उनके लोकोत्तर व्यक्तित्व पर मन पर ऐसा असर पड़ा कि 10-15 दिन के बाद ही इन्होंने निर्णय ले लिया, चिमन लाल जी ने, कि सब कुछ छोड़कर भाई जी के चरणों में रह जाए और शेष जीवन इन्हीं की छत्र छाया में बिताया जाए। ऐसा पक्का निश्चय हो गया उनका। भक्तों, एक तो जीवन में महान प्रभु के सच्चे प्रेमी भक्त जल्दी मिलते नहीं, बहुत मुश्किल मिलना। भगवान का सच्चा शुद्ध प्रेमी भक्त मिलना बहुत मुश्किल होता है भक्तों।
और मिल जाते हैं तो जल्दी पहचान में नहीं आते। कुछ पहचान में थोड़े आवे तो पापों का पहाड़ इतना अंदर रहता है कि श्रद्धा को बिगाड़ के रख देता है। जो कुछ पहले श्रद्धा सुनने पर थी उनके विषय में, वो अधिकतर सामान्य लोगों के अंदर से वो श्रद्धा भग जाती है और फिर उन महान भक्तों के अंदर उसको दोष दिखलाई पड़ने लग जाता है। उनका सत्कार न करके उनका तिरस्कार, उनकी निंदा करने लग जाता है। साधारण व्यक्ति इसलिए ऐसे सुयोग से, सुलाभ से वंचित हो जाता है। जब तक लाभ साथ रहने का नहीं मिला था तब तक तो बड़ाई करता है, और साधारण व्यक्ति जब उनके निकट रहने लग जाता है तब तो उनके दोषों को देखने लग जाता है। साथ रहने में गड़बड़ी बहुत बड़ी होती है। दूर से तो अच्छा अच्छा बताते हैं और जब पास में रहने लग जाते हैं तो दोषों को देखने लग जाते हैं, और दोषों को देखते देखते मन में अश्रद्धा हो जाती है, फिर निंदा करने लग जाते हैं तो पुण्य की जगह पाप की कमाई करने लग जाते हैं। कितने महान वो लोग होते होंगे जो पास में रहने पर भी अश्रद्धा नहीं करते, दोष नहीं देखते, ये निंदा का पाप नहीं करते, और जीवन को उन संत भक्त की संगति में प्रेम के रंग से अपने मन को, जीवन को रंग लेते हैं। ऐसे ही भाग्यशाली थे चिमनलाल जी गोस्वामी। निरंतर भाई जी के साथ रहते थे लेकिन जीवन में कभी उनको भाई जी के अंदर कोई कमी नहीं दिखलाई पड़ी। उन्होंने तो निर्णय ले लिया कि मैं शेष जीवन इन्हीं की छत्र छाया में बिताऊंगा, और उन्होंने अपनी अभिलाषा आग्रह पूर्वक भाई जी के समक्ष रखी। भाई जी ने कहा कि आपका मन दृढ़ हो एवं पिताजी आज्ञा दें तो आप कल्याण के संपादन विभाग में आ सकते हैं। यद्यपि ऐसे निर्णय को क्रियान्वित करना कठिन होता है भक्तों, मैंने जैसे बताया ना कि आदमी साथ में रहने लगे तो कमियां ढूंढने लग जाता है, वो भूल जाता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं कि किसी भक्त महापुरुष के अंदर कमी देखूं, मैं कोई सर्वज्ञ थोड़े हूं। लेकिन वो अपने अल्पज्ञता को भूलकर सर्वज्ञ बनने की मूर्खता करने लग जाता है। उनके महान अलौकिक गुणों को तो देख नहीं पाता और अपने अज्ञान के कारण अवगुणों को देखने लग जाता है, इसलिए लाभ नहीं मिलता है। यही कारण है कि ऐसे निर्णय को क्रियान्वित करना कठिन होता है, पर दृढ़ रहने से भगवत कृपा सहायता करती है। और वही हुआ। जनवरी सन 1933 में चिमनलाल जी बीकानेर राज्य का उच्च पद छोड़कर सपत्नी भाई जी के पास स्थायी रूप से रहने के लिए आ गए गोरखपुर में, और फिर तो जीवन को सेवा, प्रेम, भगवत भक्ति के रंग से रंग लिया भाई जी के चरणों में रहकर। उस चरित्र की बातों को आपको फिर मैं सुनाऊंगा। आज इन महान पुरुषों श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी और चिमनलाल जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।